हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे आज आपके हैशटैग 6 एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जो हमारा सीरीज चालू हुआ है हैशटैग नंबर 6। बात करेंगे आज आपके नेक्स्ट हम कॉम्प्रिहेंसिव बैलेंस शीट में जो थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों मुझे पता है कि कमेंट करेंगे सर कि ये टॉपिक हो गया, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब इसके आगे का पार्ट लीजिए। बट जो थोड़ा सा चेंज है वो हम लोग ध्यान देंगे। जो बच्चों का ऑलरेडी प्रिपरेशन हो चुका है ये आपके लिए एक तरीके से रिविजन है। जो बच्चों का कुछ भी नहीं हुआ है, एंड इसका एडवांटेज मैंने बताया था आपको रेशियो एनालिसिस में बहुत होने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक होने के बाद मतलब इसके साथ में बैलेंस शीट का शॉर्ट नोट्स भी आपको मिलता है। ठीक है, बैलेंस शीट की जितनी अच्छी नॉलेज रहेगी बैलेंस शीट रेशियो आप उतने बेस्ट तरीके से कर पाओगे। सेम आपका इनकम स्टेटमेंट का भी प्रैक्टिकल्स हम भी मिल रहे हैं, शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे। जितनी अच्छी नॉलेज होगी उसका बेनिफिट्स आपको रेशियो एनालिसिस में होगा, दोनों चीज में, शॉर्ट नोट्स में भी एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी होगा। इसीलिए मैंने रेशियो एनालिसिस डायरेक्टली आपका टॉपिक चालू नहीं किया, उसके पहले ये वाला कॉन्सेप्ट आपका चालू करा के दिया है। जिसके पास ऑलरेडी टेक्स्ट बुक है पेज नंबर 56 एंड 7 पे जाएंगे, आपका सम मेंशन किया गया है। एंड जो बच्चों के पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो मैं स्क्रीन पे ऑलरेडी क्वेश्चन ऐड कर देता हूं, जिसे अभी तक ऐड करते हुए आया हूं। क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है हम लोग क्वेश्चन थोड़ा सा रीड करते हैं। क्या दिया गया है, लाइबिलिटीज एंड असेट्स में आपको दिया गया है। क्या लाइबिलिटीज में सर, शेयर कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, 8% डिबेंचर है, करंट लाइबिलिटी है। सर कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं है, चारों चीज की पोस्टिंग हम लोग को आती है। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस हमारा ओनर्स फंड में आ जाएगा, एंड लोन फंड में हमारा डिबेंचर चले जाएगा, पहले से लिख के रख लिया हूं मैं। ठीक है सर, क्या डिफरेंट है वो आप बता रहे थे, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, करेंट असेट, तीनों चीज दिया है। ठीक है सर, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, करेंट असेट यहाँ पे कर दूंगा, करंट लाइबिलिटी भी दिया था। क्या डिफरेंट है फिर, डिफरेंट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है। ये क्या है सर, हमारा फिक्टिशियस असेट होता है जिसको हम लोग ओनर्स फंड में माइनस करते हैं, यही तो ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट चीज, नहीं तो बहुत सारे बच्चे जो नहीं पढ़े पता चला करंट असेट में ले गए उसको चले गए, या फिर कहीं और पोस्टिंग कर दिया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से क्या करते हैं, पहले तो फॉर्मेट समझो आप। शेयर कैपिटल है तो शेयर कैपिटल सर कहां आएगा, यहीं पे आएगा, शेयर कैपिटल लिख दिया सर, बिल्कुल लिख दिया। नेक्स्ट हमारा सर क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस है, रिजर्व एंड सरप्लस है। नेक्स्ट लेस कर देता हूं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, अब ध्यान रखना मेरे पास कैलसी नहीं है, इसलिए जैसा टेक्स्ट बुक में लिखा मुझे वैसा करना पड़ेगा, नहीं तो कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम, नहीं तो चलेगा मैं कर लेता हूं आप लोग के लिए, इतना तो करना पड़ेगा। टोटल ओनर्स फंड, ठीक है, लेस कर दो के आ जाएगा, ये फॉर्मेट हो गया सर। बाकी फॉर्मेट कुछ नहीं करना, पहले से ही करके रख दिया हूँ। जिनको फॉर्मेट नहीं पता फॉर्मेट एक बार रिपीट कर देता हूँ सर। क्या होता है कि हमारा जो सोर्सेस ऑफ फंड है दो पार्ट में डिवाइड है, ओनर्स फंड, लोन फंड, ओनर्स फंड, लोन फंड, ओनर्स फंड, लोन फंड। ओनर्स फंड में सर हमारी दो चीजें आती हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, एंड कोई फिक्टिशियस असेट अगर आपको दिया तो आपको करना पड़ेगा माइनस। क्या करना पड़ेगा सर, माइनस करना पड़ेगा। लोन फंड में हमारे सर डिबेंचर आते हैं, लोन आते हैं, वो चाहे सिक्योर्ड लोन हो, अनसिक्योर्ड लोन हो, या किसी भी टाइप का लोन हो, तो ये दोनों प्लस करेंगे सर टोटल आ जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल इंप्लॉयड, अदरवाइज टोटल सोर्सेस ऑफ फंड बोला जाता है, या फिर टोटल फंड अवेलेबल बोला जाता है, कई सारे नाम है कोई भी लिख सकते हो, बट फिलहाल मैं सजेशन दूंगा कैपिटल इंप्लॉयड एक ही चीज करके जाओ। कैपिटल एप्लीकेशन ऑफ फंड में सर कितने पार्ट है, तीन, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल। फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल। फिक्स असेट दो पार्ट, टेंजिबल, इनटेंजिबल। इन्वेस्टमेंट में कोई पार्ट नहीं है, वर्किंग कैपिटल मतलब होता है करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट असेट के भी दो पार्ट, क्विक, नॉन क्विक। करंट लाइबिलिटी के भी दो पार्ट, क्विक, नॉन क्विक। फिलहाल अभी जितने भी बैलेंस शीट हम लोग ने प्रैक्टिस किया उसमें क्विक नॉन क्विक इतना डिटेल आया ही नहीं है, इसलिए हम लोग ने इसके आगे का फॉर्मेट किया नहीं है, बट आगे मिलेगा जब हम लोग सम करेंगे तो फॉर्मेट याद रहेगा तो बेस्ट है, नहीं तो पता चला कि यही रट के बैठ गए, आगे क्विक नॉन क्विक आ गया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, इससे बेस्ट है पहले से करके रखो। फॉर्मेट हो गया सर, हाँ सर फॉर्मेट हुआ है, आगे बस आपको अमाउंट पुट अप कर देना है फॉर्मूले में। चलिए क्या देखते हैं सर, शेयर कैपिटल पहला है, अमाउंट देखो शेयर कैपिटल कितना है, 175, 2 लाख,
2 लाख लिख दिया। रिजर्व एंड सरप्लस कितना सर? 50-50 है, तो मैंने लिखा 50-50। माइनस किया प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, सर कितना दे के रखा था? 5000-10000। जब आप कोई चीज 5000 माइनस करते हो तो उसको याद रखना ब्रैकेट में दिखाना है आपको, ब्रैकेट में दिखा देना, और आ जाएगा आपका क्या सर? टोटल ओनर्स फंड। चलिए माइनस करके दिखाना है, 175 और 50 प्लस कर दोगे तो आपका हो जाएगा 225, में से 5 माइनस कर दो तो 220 हो जाएगा, 250 में से तो ये आपका 240 हो जाएगा। ठीक है, बहुत लोग फॉर्मेट थोड़ा अलग करते, क्या करते पहले इसको प्लस कर लेते बाद में माइनस करेंगे, बात वही है कैसे भी कर लो आप। 8% डिबेंचर कितना दिया था सर? 8% डिबेंचर 75 एंड 125। चलिए इनका प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा सर? कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ठीक है, कर लेते हैं 220 प्लस 75 तो 295। नेक्स्ट 240 प्लस 125 तो 21 हो गया हमारा 3, और ये हो गया हमारा 365। यहाँ तक कोई डाउट कन्फ्यूजन है क्या सर? बिल्कुल नहीं, यहाँ तक कोई डाउट कन्फ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट हमारा फिक्स असेट, तो फिक्स असेट सर क्वेश्चन में दिया था 245 एंड नेक्स्ट हमारा सर 325। चलिए नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट 2540, तो मैं लिख देता हूँ 2540। चलिए नेक्स्ट करंट असेट, करंट असेट दिया है 75-25। करंट लायबिलिटी, लायबिलिटी साइड में दिखेगा 50-25। जो चीज माइनस करते हो मैंने क्या बताया अभी, ब्रैकेट में आपको रखना है, ये चीज याद रख लेना है आपको। क्या करेंगे सर? माइनस कर देते हैं 25-25, तो ये तो खाली हो जाएगा, मीन्स जीरो आपका, 75 में से 55 गया तो सर आपका 25। चलिए प्लस करते हैं 325 प्लस 40, यहाँ तो जीरो आया क्योंकि यहाँ पे लिखा 1, 2 का 5, मीन्स 1 + 2 + 5। 1 मतलब फिक्स असेट, 2 मतलब इन्वेस्टमेंट, 3 मेरा वर्किंग कैपिटल मतलब 5th जिसको हम लोग बोल रहे हैं, तो 125 मतलब 325 प्लस 40 प्लस 0 तो आपका आ जाएगा ये 365। 365 यहाँ पे दोनों साइड टैली कर रहे हैं, ये करेंगे 245 प्लस 25 तो 370 प्लस हो गया आपका 25 तो आप पे आ रहा है आपका 95। टैली भी देख लेना आप लोग एक बार मैच करके कैलसी से, टैली हो रहा है सर? हाँ सर टैली हो रहा है, टैली होना ही चाहिए, बैलेंस शीट आने का यही तो एडवांटेज है कि टैली होगा, मतलब आपको वो एग्जाम में ही पता चल जाएगा हमारा सम कैसे गया। नेक्स्ट एब्सोल्यूट चेंज कैसे करना है, इसको टेबल आप आगे बढ़ा लेना, लाइन अंडर लाइन आगे कर लेना। एब्सोल्यूट चेंज सर बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, फिर भी कुछ टॉपिक में बता देता हूँ, बाकी आप लोग खुद से करेंगे। जैसे 175 था सर बेस ईयर में, अभी कितना हो गया सर? 2 लाख। कितना इंक्रीमेंट हो रहा है आपका सर? 25,000 का इंक्रीमेंट हो रहा है। 50 था 50 है तो सर 0। 5 था 10 हो गया सर तो 5,000 का इंक्रीमेंट दिख रहा है। 220 था 240 हो गया सर तो 20,000 का इंक्रीमेंट दिख रहा है, मीन्स इंक्रीज। 75-125 तो सर 50,000 का इंक्रीमेंट दिख रहा है। 295 प्लस 365 तो आपका ये 70,000 का इंक्रीमेंट दिख रहा है। फिलहाल तो अभी तक सब इंक्रीज ही दिख रहा है आपको। 245-325 तो आपका 45 55 55 प्लस 20 65 75 80 80,000। 25 था 40 हो गया सर, 15,000 का इंक्रीमेंट दिख रहा है। 75 था 25 हो गया, यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है ये सिद्धांत का, 75 था 25 हो गया सर, 50,000 डिक्रीज हुआ है, तो ब्रैकेट दिखाना है, बहुत जरूरी चीज है। 50 था 25 हो गया सर, यहाँ भी 25 का डिक्रीज दिख रहा है। 25 था कुछ भी नहीं दिख रहा है, जीरो दिख रहा है,
तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 25 कॉमन कॉपी कर लेना है, 20 मैच कर लेता हूँ मैं, नहीं तो कन्फ्यूजन ना हो। 25 ठीक है, 25 295 था, 365 हो गया, तो 65 प्लस 5 70 हो गया, 70। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, कोई डाउट कन्फ्यूजन यहाँ तक नहीं है। परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट बताने की ज़रूरत है, जो बच्चे कंटिन्यू सीरीज देख रहे हैं वो तो यही बोलेंगे सर मत बताइए हम लोग कर सकते हैं, फिर भी बता देता हूँ, जो बच्चे डायरेक्टली न्यू वीडियो देख रहे हैं उनको क्लियर पता होना चाहिए। क्या करना है सर, मल्टीप्लाई 100 सब में, तो आगे कर सकते हो? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना था आपने बताया था, जो एब्सोल्यूट चेंज आएगा मल्टीप्लाई 100 कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हो आप। किससे कंपेयर करते हो सर? बेस ईयर, बेस ईयर हमारा क्या सर, ये 175। तो कैलसी में आप ले लो 25,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 1,75,000, कितना आया सर कैलसी आपके पास है देख लेना, 14.29 आपको दिख रहा है आंसर, 14.29। नेक्स्ट जब बात करेंगे, ये तो आपका खाली रखो, कुछ मतलब नहीं, जीरो ही आएगा क्योंकि यहाँ पे जीरो ही दिख रहा है। 5000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 5000, तो 100% आया होगा 5000, ये तो सेम 100% आया होगा आपका। नेक्स्ट सर 20,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 2,20,000, तो आपका कैलसी पे आएगा 9.09। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, 50,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय बेस ईयर, बेस ईयर आपका 75,000 है, तो आपका जो आंसर आएगा 66.67। राउंड फिगर करना है एंड पॉइंट के बाद दो ही नंबर तक अपने को जाना है, ये भी याद रखना, उसके आगे नहीं जाना है। दूसरा नंबर अगर हमारा 5 रहेगा या उससे ज़्यादा रहता है तो ये वाला तीसरा नंबर जैसे आप डिवाइड दोगे तो आपकी कैलसी पे क्या आ रहा होगा, 66.667। क्या रहे सर? 66.6666 ऐसे ही आता होगा। तो हम लोग को पॉइंट के बाद जो आपका रहता है 1, 2, 3 तीसरा नंबर देखना है, तीसरा नंबर अगर 5 है या फिर 5 से ज़्यादा है तो बाजू वाले को एक बढ़ा देते हैं, 6 की जगह पे क्या लेना है आपको, 7 ले लेना है। ठीक है, नेक्स्ट 70 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 295, तो जो आपका आंसर आ रहा है 23.73। आगे का कॉन्सेप्ट कर सकते हो क्या? हाँ सर कर लेंगे, फिर भी किसी बच्चों को डाउट कन्फ्यूजन रहेगा किस तरीके से कैलकुलेशन करना है तो कमेंट बॉक्स खुला रखा गया है, ऐड कर देना कि सर मुझे नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो और एग्जांपल्स और कॉन्सेप्ट आपको इसका करा के दे दिया जाएगा। एंड कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई बात ही नहीं, वीडियो को लाइक कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड कर देना वीडियो कैसी लग रही है आपको, एंड कंटिन्यू जो प्रोवाइड कराया जा रहा है सीरीज इसीलिए कि जल्दी वीडियो आपकी आ रही है ताकि कॉन्सेप्ट पूरा एग्जाम से पहले बहुत बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन हो जाए। जो बच्चों का ऑलरेडी हो चुका है तो उनका रिविजन हो जाए, जिनका अभी तक नहीं हुआ है तो उनकी प्रिपरेशन हो जाए एग्जाम में बैठने से पहले। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करना, कोई सजेशन कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है कमेंट बॉक्स में ऐड कर देना, एंड वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते रहो ताकि एग्जाम टाइम पे कॉमर्स बच्चे जो भी हैं चाहे एफ वाई एस वाई टी वाई मास्टर डिग्री 1, 2 अदरवाइज 11th एंड 12th जो भी क्लास के बच्चे हैं उनको बहुत सारा बेनिफिट्स इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में इसके आगे के टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।